सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा ॐ शान्तिः 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 वैदिक जीवन पद्धति में हम स्वाध्याय कर रहे हैं ऋग्वेद के आठवें मंडल का और जिसमें हमने इकसठवें बासठवें सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय किया था आज पुनः आगे बढ़ रहे हैं और यह जीवन हमारा सुकर्मों के लिए मिला है जैसा व्यक्ति का कर्म होगा वैसा उसका स्वभाव होगा इसलिए अपनी कर्मों की जो पवित्रता है कर्मों के द्वारा ही हम प्रभु को प्राप्त हो सकते हैं प्रभु की हमको प्राप्ति हो सकती है प्रभु की निकटता प्रभु का सानिध्य प्रभु की शरणागति प्राप्त हो सकती है जितना धवल हमारा चरित्र होगा हम शुचिता से पवित्रता से युक्त तो होंगे सात्विकता से युक्त तो होंगे कृतज्ञता से युक्त तो होंगे उतना उतना हमारे जीवन में कर्मों की पवित्रता आती जाएगी कर्म का मर्म समझना ये हमारा स्वधर्म है और उसका मर्म समझ करके धर्म पूर्वक कर्म करना ये अपने जीवन से अपने जगत से दिव्य भव्य बनने का परम लक्ष्य प्राप्त होता है आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की यह पावनी परंपरा पुष्ट होती है इसलिए कर्मों का अनुष्ठान दिव्यता से हो कर्म में कोई अधर्म ना हो यही उपदेश हमारे सभी ऋषियों ने किया है आज हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद के 8वें मंडल के 63वें सूक्त के प्रथम मंत्र का जिसमें बहुत सुंदर चर्चा की है कि प्रभु को पाना है तो श्रेष्ठ कर्म करो मैं पहले वेद मंत्र लिखता हूं फिर चर्चा करूंगा ओम सा पूर्वियो महानाम वेनहा क्रतु भीरानजय

मनुष्य पिता देवेशु धिया आनजे देवेशु धिया आनजे ऋग्वेद के आठवें मंडल के तिरसठवें सूक्त का यह प्रथम मंत्र है पहला मंत्र है ओ साो महाना वे नहा कतुभिराज नजे यस्य द्वारा मनुष्पिता देवेशो नजे ओम सा पूर्व्यो वेना वे नहा यस्य द्वारा मनुष्पिता द्वारा धिया नजे बहुत सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में प्रभु की यदि प्राप्ति करनी है प्रभु का यदि हमको सानिध्य पाना है प्रभु की कृपा पानी है सब पाना चाहते हैं प्रभु की कृपा तो उसके लिए सबसे सुंदर सबसे सरल उपाय क्या है इसके लिए सबसे सरल उपाय ये है कि हमको अपने कर्मों का अनुष्ठान बहुत पवित्रता से करना चाहिए तो कहा है कि सह व महानाम पूज्यों में जो पूर्व मुख्य वेना कांत प्रभु क्रतुर भी जो यज्ञात्मक कर्मों के द्वारा आनजे प्राप्त होता है जो सा पूर्वे शाम अपी गुरु काले नानव छेदा वह सबका गुरुओं का भी वो गुरु है वह सबका गुरु है परम पिता है पिताओं का भी पिता है परम माता है अपने कर्तव्य कर्मों को करने से ही हम प्रभु का पूजन कर पाते हैं उसकी अर्चना कर पाते हैं अपने कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान उस भगवान तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा साधन है यह साधन हम यदि अपने जीवन में उतारते हैं तो जरूर पाते हैं कर्म का मर्म जानी व्यक्ति ही समझता है कर्म करने के तीन साधन हैं एक तो मन से कर्म करते हैं दूसरा वाणी से तीसरा शरीर से तो मन से हम किसी का अहित न चाहें मन से सदा इस संसार का कल्याण चाहें क्योंकि इस संसार किसने बनाया है परमपिता परमेश्वर ने बनाया है सब प्राणियों को किसने बनाया उसी ने बनाया है तो हम इसको हानि ना पहुंचाएं इससे हम अपने दिव्य भव्य जीवन को जीने का प्रयत्न करें और सबसे प्रीति पूर्वक, पूर्वक वर्तें यदि हम एक दूसरे से ईर्षावेश करते हैं छल कपट करते हैं हानि करते हैं तो ये प्रभु तक पहुंचने का साधन नहीं है ये अच्छा कर्म हमारा नहीं होगा श्रेष्ठ कर्म ये है कि मन में दूसरों के प्रति प्रीति का भाव हो हाँ फिर मन में कई लोगों के प्रश्न आता है जो हमारे साथ गलत करे उसके भी प्रति अच्छा भाव रखें क्या जो हमारी हानि करे उसके प्रति अच्छा भाव रखें क्या एक बात हमको सदा स्मरण रखनी चाहिए कि अपने निजी जीवन में हम जितना सहन कर सकते हैं उतना हमको करना चाहिए और जो व्यक्ति हमारी जो है हानि चाहता है वास्तव में वो अपनी हानि करता है जो हमारे लिए शूल बोता है वो अपने लिए शूल बोता है जो हमारे लिए गड्ढा खोदता है वो अपने लिए पहले खोद लेता है हाँ जब समाज की बात आ जाए राष्ट्र की बात आ जाए तो वहाँ पर हमको कभी भी शांति से कभी भी अपने को शिथिल नहीं रखना चाहिए यदि ऐसा भाव कि नहीं सबसे प्रीति रखो सबसे मेल मिलाप रखो सबसे तो जो सीमाओं पर हमारे सैनिक देश की रक्षा करने वाले हैं वो आतंकवादी आए उनको बोलो मेल मिलाप से रखो और वो जो है प्रवेश कर गए सीमाओं से तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमको नीतिपूर्वक नीति रीति और प्रीति यथा योग व्यवहार करना चाहिए साठे साठ्य समाचरेत, समाचरित जैसे को तैसा लेकिन निजी जीवन में जितना आप सह सकते हैं जितना सहेंगे उतना आपका व्यक्तित्व तो बढ़ेगा जितना आप सहेंगे फिर प्रश्न आता है कितना सहें? हम सहते हैं तो लोग हमको कमजोर बनाते हैं ये तो कायर है बुजदिल है कमजोर है उनको बोलने दीजिए कुछ तो आपको अपने लक्ष्य से भटकाने के लिए ऐसा करते हैं आप बहुत अच्छी गति में जा रहे हैं आप अच्छा पढ़ रहे हैं आप अच्छा लिख रहे हैं आप धर्म के राह पर चल रहे हैं तो आपको भटकाने के लिए बहुत लोग कुछ न कुछ कहेंगे कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना लेकिन तुम अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहना सहना और जो सहता है वही रहता है जो नहीं सहेगा वो नहीं रहेगा सहनशीलता होनी चाहिए क्षम सहने क्षमा का भाव होना चाहिए तो अपने आपके जीवन में दिव्य भव्य कर्म हो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि वह नीचे रहे वो सब चाहते हैं कि हम ऊपर आए हमको सब संपत्ति से ऐश्वर्य से यश कीर्ति से हम युक्त हों लेकिन उसके लिए सबसे प्रमुख भौतिक उन्नति के लिए भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी पुरुषार्थ परम आवश्यक है जितना अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे और जितना सात्विकता से युक्त करेंगे उतना उतना आप ऊपर उठते चले जाएंगे यदि भौतिक उन्नति भी चाहते हैं तो जो पाप कर्म कमा करके उन्नति करते हैं जो अधर्म से उन्नति करते हैं वो बहुत जल्दी धराशायी हो जाते हैं एक ना एक दिन उनको पश्चाताप होता है एक ना एक दिन उनका काला चिट्ठा सबके सामने आता ही आता है और जो लोग ईश्वर को पाना चाहते हैं वो तो शाश्वत सुख है संसार का सुख क्षणिक और प्रभु की शरणागति का सुख अनंत है अपार है उसकी महिमा परंपार है इसलिए यश द्वारा मनुष्य पिता देवेशु दिया आनजी। कहा कि प्राप्ति का जो साधन है साधन भूत जो द्वार है धिया, कर्मों को मनु पिता विचारशील रक्षक पुरुष देवेशु देववृत्ति के पुरुषों में आनजी प्राप्त होता है ये हमारी बुद्धि धीम ही धियो योना प्रचोदयात हमारी जो बुद्धियां हैं वो सनमार्ग की ओर सुकर्म की ओर प्रेरित करो ऐसा हम प्रार्थना करते हैं तो ऐसी जो हमारी कर्म करने की है कर्म करने का जो स्वभाव है वो विचार पूर्वक होना चाहिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाई अपनी कथनी और करनी पहले किसी कर्म को करने के लिए किसी शब्द को बोलने के लिए आप पहले तोलो फिर बोलो अपनी खरी कसौटी में तो इससे वाणी का आपका दोष नहीं होगा अब कुछ भी हड़बड़ा के बड़बड़ा गए और फिर सब मामला गड़बड़ा गया तो फिर दूसरों को भी उससे हिंसा होती है दूसरे भी लोग दुखी होते हैं और आपको भी कभी सभ्य लोग नहीं मानेंगे आपको जो बोलना है एक एक शब्द आपका नपातुला होना चाहिए ये एक वाणी का कर्म है मन में कभी पाप ना आए मन में किसी का अहित ना आए ये मन का कर्म है और शरीर से भी वैसा कर्म करना सौ वर्ष तक जीना है और कर्म से ही युक्त होकर के जीना है क्योंकि श्रीमद भगवद गीता में भी कहा नहीं कश्य क्षण जातो जातु तिष्ट कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के रह नहीं सकता है मन से करेगा या तो वाणी से बोलेगा या तो तन से करेगा और कर्म करने से ही प्रभु की प्राप्ति है कर्म प्रधान चिराखा जो जस कर ही सो तस फल चाखा सकल पदारथ है जग माही कर्महीन नर पावत नाही संपूर्ण संसार में सब कुछ तेरे लिए है उसकी कृपा तेरे ऊपर है लेकिन कर्महीनता में कुछ भी नहीं मिलेगा भोजन भी करना है तो उठा करके खाना पड़ेगा पकाना पड़ेगा मुंह चलाना पड़ेगा ये सारा कार्य करना पड़ेगा प्यासा है तो पानी पीना पड़ेगा तो कर्म करने से होगा और कर्म करने से ही प्रभु की प्राप्ति है ये हमारा जीवन कर्म प्रधान है प्रभु की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति कर्म से होगी कर्म बंधन का कारण नहीं है कर्म निष्काम कर्म हो आसक्ति रहित कर्म हो अनासक्त भाव से जब हम इस भाव को अपने स्वभाव में उतार लेंगे तो हम निसंदेह देववृत्ति वाले हो जाएंगे इसलिए विचारशील रक्षक पुरुष देवेशु देववृत्ति के पुरुषों में आनजे प्राप्त होता है उन देवों के पथ पर चलता हुआ यह विचारशील पुरुष भी प्रभु को प्राप्त करता है प्रभु की प्राप्ति यज्ञात्मक कर्मों से अर्थात जो कल्याणकारी कर्म हैं अकल्याणकारी नहीं जो भद्र हैं जो हमारे इस जीवन और जगत को कल्याण से जोड़ने वाले कर्म है गलत कर्म नहीं क्योंकि जैसा बीज बोएंगे वैसा फल काटना वैसा फल खाना पड़ेगा बोया पेट बबूल का तो आम कहाँ से खाए जैसी करनी वैसी भरनी वैसी जो है हमारी रहनी बहनी सहनी ऐसी हो जिसमें कोई भेद ना हो अब ऐसा नहीं कि मन में कुछ और वाणी में कुछ और शरीर से कुछ और यही दुरात्माओं का स्वभाव है दुरात्मा व्यक्ति कभी परमात्मा को प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं क्यों क्योंकि मनस से अन्य वचस से अन्यत कर्मन अन्य दुरात्मा नाम मन से एकम कर्मन एकम महात्मा नाम जो मन से कुछ विचार करते हैं गलत और वाणी से भी कुछ अलग बोलते हैं और शरीर से कुछ अलग करते मतलब तीनों में विपरीत स्थिति है कोई उनके स्वभाव को उनके नेचर को जान नहीं पाता वो पता नहीं कैसा किस मिट्टी का बना है क्या इसका स्वभाव है कुछ पता ही नहीं चल रहा है इतना हम अपने स्वभाव को बिगाड़ देते हैं इतना स्वभाव बिगड़ जाता है तो परमात्मा कैसे मिलेगा वो दुरात्मा कहलाता है लेकिन जो महात्मा होता है जो दिव्यात्मा होता है जिसका मन जिसकी वाणी और जिसका कर्म एक समान है कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है ऐसा व्यक्ति ऐसा महात्मा ही उस परमात्मा की प्राप्ति कर पाता है इसलिए इस बात को कहा है और यही सारे वेद उपनिषदों का दर्शन का यही एक मर्म है गीता भी कहती है कर्म निव अधिकारस्ते माँ फलेशु कदाचना माँ कर्म फल माते संगस्थ संगस्थ कर्मणी योगस्था कुरु कर्माणी संगम त्यक्वा धनंजया सिद्ध सिद्धियो समो भूतवा समत्वम योग उच्यते समता में ममता में और क्षमता में नम्रता में हमको ऊपर उठना चाहिए तब उसकी प्राप्ति होगी और वेदोक्त कर्मों को करें मनमानी ढंग से कर्म करेंगे तो नादानी होगी ये शैतानी होगी कर्म ऐसा करें श्रेष्ठ कर्म करें जो सबका भला करे सबकी उन्नति जिससे हो ऐसा कर्म और कहते हैं कि कुरन्न वेह कर्माणी जि जी, जी विशेषतम समाह तो न्यथेतस्ती न कर्म लिप्यते नरे असुर्य ते लोका अंधे न तमसवृता प्रत्यापी गि के जना। कि कर्म करो कर्म तो करना ही पड़ेगा और कर्म करने से व्यक्ति का उत्थान होगा पतन नहीं होगा लेकिन निष्काम कर्म जैसा वेदों का उपदेश है संदेश है कुर्य में जिजी विशेषतम समा सौ वर्ष से भी अधिक वेदोक्त कर्मों को करते हुए इस संसार में जीने की इच्छा और ऐसे कर्म आपको बाधे के नहीं निर्लेप भाव निष्काम भाव ब्रह्म काम होकर के आप काम होकर के कर्म करना तो संसार में रहना और संसार से बाहर परलोक में भी जाना वो कोई बड़ी बात नहीं है अपने जीते जी जिसने अपने आप को निष्काम बना लिया जीते जी जो इन कामनाओं से ऊपर उठ गया उसको फिर चाहे यह लोक हो चाहे पर हो कहीं भी हो कोई शोक नहीं कोई उसको बाधा नहीं और ये भाग्य और प्रारब्ध कहे भाग्य कहें पुरुषार्थ कहें इन सब का है इसलिए प्रारब्ध कुछ लोग बोलते थे हमारा तो भाग्य ही गड़बड़ है दुर्भाग्य है इसलिए हम कर नहीं पाते ये बातें ठीक है प्रारब्ध का भी अपना महत्व तो है लेकिन पुरुषार्थ का भी महत्व तो है कुछ हाथ पर हाथ धर के बैठे रहते हैं बोले ठीक है जो हो रहा अच्छा हो रहा जो होगा वो भी अच्छा होगा जो हो गया था वो भी अच्छा तो फिर तुमको किस लिए बनाया परमात्मा ने सब कुछ ईश्वर ही करेगा तो तुम क्या करोगे भाई तो अपने जीवन को हमको श्रेष्ठ बनाने के लिए जैसा ऋषियों ने जिया है जैसा कहा है भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने तो पूरा गीता का जो उपदेश है गीता का सार यही है कि कुछ भी करो चाहे तुम सन्यासी रहो चाहे ब्रह्मचारी रहो चाहे गृहस्थी रहो रहो, चाहे राजा हो चाहे रंग को हो, अपने कर्तव्यों का पालन स्वधर्म करना यह हमारा कर्तव्य है इसको बिना उन्नति हो ही नहीं सकती इसलिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुगतम कर्म जन्म कोटि टी कर्म करिए कर्तव्य कर्म करें करना सेवा करना दूसरों से प्यार लेके जग से बुराई मत जाना रे हो लेके जग से बुराई मत जाना रे सबसे मीठी वाणी बोल यही भेंट अनमोल न किसी को कभी भी तू सताना रे बंदे कभी बनना ना अभिमानी ईश्वर के आगे ना मनमानी ईश्वर लेगा हिसाब देना पाए तू जवाब तब तो तुझको पड़ेगा पछता रे हो लेके जग से बुराई मत जाना रे लेके जग से बुराई मत जाना रे ओम शांति शांति